सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, उन्नाव केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह सुनवाई होगी। 5 सदस्यों की संवैधानिक बेंच इस मसले को लेकर के सुनवाई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, उन्नाव केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह सुनवाई हो रही है और साथ ही 5 सदस्यों की संवैधानिक बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। उन्नाव केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 सदस्यों की संवैधानिक बेंच उन्नाव केस की सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह सुनवाई हो रही है। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिल गई है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और अब ट्रॉमा सेंटर में पीड़ितों की सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी। बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। वहीं अब उन्नाव कांड की सीबीआई जांच भी तेज कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है और इसीलिए सीबीआई फुल एक्शन में है। और सीबीआई के रडार पर विधायक के करीबी भी हैं, जो अक्सर जेल में विधायक से मिलने जाते थे, उनसे बातचीत करते रहते थे, उनसे संपर्क में रहते थे। और साथ ही सीबीआई ने जिस जेल में विधायक बंद है उसकी सीसीटीवी को भी खंगाला है। वहीं रेप पीड़िता के हादसे के आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की भी सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में आरोपियों को पेश किए गए। तो उन्नाव केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई चल रही है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में यह सुनवाई हो रही है। 5 सदस्यों की संवैधानिक बेंच इस केस को लेकर के सुनवाई कर रही है। और साथ ही ट्रॉमा सेंटर में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ट्रॉमा सेंटर में भी पीड़ितों की सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी और साथ ही दिल्ली एयरलिफ्ट पर करने पर भी फैसला हो सकता है। पीड़ित को दिल्ली लाया जा सकता है, इस पर भी फैसला हो सकता है। बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल पर तो अब उन्नाव कांड की सीबीआई जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। ऐसे में केस काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को लेकर के सुनवाई हो रही है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या अपडेट्स हैं? कल सुनवाई हुई थी उन्नाव रेप केस में और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि 25 लाख पीड़िता के परिवार को आज ही दिया जाए, यानी कि आज तक की डेडलाइन थी उनके पास। अब एक तो उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा कि 25 लाख रुपए क्या पीड़िता परिवार को मुआवजा दिए गए कि नहीं दिए गए। इसके अलावा उन्होंने पीड़िता परिवार को ये कहा था कि अगर वो चाहें तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाके इलाज कराया जा सकता है। लेकिन कल जिस प्रकार से पीजीआई केजीएमयू जो है लखनऊ में, उन्होंने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि यहाँ पे जो भी सुविधा है, जो भी इलाज है, वो पूर्णतः पीड़िता को स्वस्थ करने के लिए बिल्कुल बेहतर है और अगर ऐसे में परिवार चाहता है तो एयरलिफ्ट करके उनको भेजा भी जा सकता है दिल्ली एम्स में। अब ऐसे में आज पीड़िता के परिवार की तरफ से ये पूछा जाएगा कि क्या वो इलाज से संतुष्ट है लखनऊ में, या फिर पीड़िता को एयरलिफ्ट करा के एम्स में इलाज के लिए लाया जाया जाए। अगर पीड़िता कहती है, पीड़िता की जो परिवार वाले, अगर वो कहते हैं कि नहीं इलाज से संतुष्ट है तो उनका इलाज वही लखनऊ में ही चलता रहेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं उन्हें एम्स में एयरलिफ्ट करके लाया जाए तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि पीड़िता के परिवार को लखनऊ से एयरलिफ्ट करा के एम्स लाया जाए, जहां पर उनका इलाज आगे किया जाए। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए उसके बाद जो असर दिख रहा है, जो एक्टिव मोड दिख रही है इस केस को लेकर के, परिवार कितना ज्यादा संतुष्ट है।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद इस प्रकार से आदेश दिए उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस के 45 दिन के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और फैसला फास्ट ट्रैक में सुनवाई पूरी करके ट्रायल पूरी किया जाए। इसके अलावा 7 दिन का समय दिया गया कि जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ उसकी जो है कार्रवाई पूरी की जाए। इसके अलावा मुआवजे की भी उसने पेशकश की, उसके अलावा सुरक्षा भी सीआरपीएफ की दिलवाई गई पीड़िता को। जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार से काफी संतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है और पीड़िता के परिवार को अब पूरी सुरक्षा दी जाएगी और पीड़िता को भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य करने के लिए जिस संभव भी इलाज की मदद होगी वो उनको संभवतः दिलाया जाएगा। अविनाश, दिल्ली एयरलिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है पीड़िता को इलाज के लिए, अच्छे इलाज के लिए, तो ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना है इस पर? देखिए, परिवार से उनकी तरफ से यही कहना था, परिवार ने उनकी तरफ से यही कहा कि वो केजीएमयू के जो इलाज चल रहा है लखनऊ में उससे वो संतुष्ट है, लेकिन अगर वो केजीएमयू में इलाज आगे के लिए बेहतर ना हो तब उनको लिफ्ट किया जाए, एयरलिफ्ट किया जाए। लेकिन कल जिस प्रकार से केजीएमयू के डायरेक्टर ने भी ये कहा कि यहाँ पे हम बेहतर से बेहतर इलाज दे रहे हैं और सक्षम है उनका इलाज करने में, उनको स्वस्थ करने में, और अगर परिवार चाहे तो उनको एयरलिफ्ट करके हम भेज सकते हैं। लेकिन अब जब जिस प्रकार से कल पीड़िता के परिवार ने वहां पर संतुष्टि जताई थी कि इलाज ठीक चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो और बेहतर इलाज के लिए एम्स में एयरलिफ्ट होती है या नहीं, क्योंकि ये आज सुप्रीम कोर्ट में बताना है उनको कि क्या वो बेहतर इलाज और भी आगे चाहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केजीएमयू प्रशासन ने ये कहा है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ पे दिया जा रहा है, हर संभव इलाज दिया जा रहा है जो भी उनको जरूरत है। अब ऐसे में क्या पीड़िता का परिवार जो है आज एयरलिफ्ट के लिए कहता है या नहीं कहता, लेकिन कल जिस प्रकार से पीड़िता परिवार ने इस बात के लिए कहा था कि हाँ इलाज उनको यहाँ बेहतर दिया जा रहा है, बस उनको स्वस्थ जल्दी से किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई कर रहा है और एक बार फिर से पूछेगा कि इलाज की क्या जो है प्रोसेसिंग चल रही है, और जो केजीएमयू के डायरेक्टर है उनकी रिपोर्ट भी जो है पेश की जाएगी कि किस प्रकार से इलाज अब तक उनको प्रदान किया हुआ है और आगे कौन कौन से इलाज की उनको बेहतर जरूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिर इसके बाद निर्णय लेगा कि क्या पीड़िता को एयरलिफ्ट किया जाए या नहीं। बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई जारी है, उन्नाव केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद केस में काफी ज्यादा तेजी आ रही है और साथ ही पीड़िता को लेकर के लिफ्ट करने की भी फैसला आ सकता है।